गांव में एक मूर्तिकार रहता था। क्या रहता था? एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। शादी भी हुआ, उसके दो बेटा हुआ। मूर्तिकार रहता था तो उसका बहुत अच्छा, उसका जो पापा थे वो बहुत अच्छा मूर्ति बनाते थे। उसका बेटा हुआ तो वो पापा के साथ रहते रहते वो भी मूर्ति बनाने लगा। ठीक है, पापा के साथ रहते रहते वो भी मूर्ति बनाने लगा। तो मूर्ति बनाते थे तो पहले जो था इसके पापा का बहुत सेल होता, बहुत मूर्ति बिकता था। तो जब बच्चा था तो धीरे धीरे काम करते 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 ये भी मूर्तिकार बन गया, इसका बेटा भी मूर्तिकार बन गया। और क्या हुआ, जब इसका बेटा बड़ा हो गया तो जब भी ये लड़का जो है, उसका बेटा जो है, जब भी मूर्ति बनाता था ना, उसका पापा आके कहता था सब चीज तो ठीक है और कुछ ना कुछ कमी निकालते। सब चीज तो ठीक है मगर ये चीज गड़बड़ है, बोला कि सब चीज तो ठीक है बाकी ये चीज हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाल देता। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पापा से जाने इसका बिक्री चले लगा। जब इनके पापा इसका कमी निकालता था ना, लड़का जब इसका पापा इसका कमी निकालता था ना, तो इनके जो लड़का था, जो इसका बेटा था, उसका ज्यादा, उससे ज्यादा उसका सेल होने लगा, उससे ज्यादा बिक्री चले लगा, उससे ज्यादा काम में बिकलेगा। फिर भी जब ज्यादा सेल होने लगा ना, फिर भी वो क्या करता था, आके सोता था सब चीज ठीक है मगर कुछ चीज जितना ज्यादा सेल होता था फिर भी आके कहता था सारा चीज ठीक है मगर ये चीज ठीक होना चाहिए। मतलब कि उसका सेल होने लगा फिर भी जो है उसको जाके कहता था कि इसका जो है कुछ गलती इसमें और सुधार आना चाहिए। तब एक दिन जो है उसको रहा नहीं, समझ गया, एक दिन आया कहा आपका इतना का नहीं देखा मूर्ति तो कहा बोला कि बहुत अच्छा मूर्ति है। तो बोला कि सब चीज तो ठीक ही है इसमें थोड़ा और सुधार होना चाहिए। तो गुस्सा लगा वो कहा जब इतना ही आपको दिमाग है इतना ही आपके पास अकल है तो वो अकल आप अपने काम में काहे ना लगाते हैं जो आपका कम बिक्री होता है हमारा आपसे ज्यादा बिक्री होता। अरे बोल दिया उसको ये बात, उसको पापा को लग गया और उसके बाद उसको समझाना बंद कर। तब उसके बाद उसका पापा जो है उसको जाके नहीं समझाता था, नहीं कुछ नहीं करता था, गलती हो सलती हो वो जो है बिक्री करने लगा। दो तीन महीना तो उसका बिक्री बहुत अच्छा चला। दो तीन महीना के बाद उसका बेटा का बिक्री धीरे 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 कम होते रहा और इसका मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहा। अब इसका बेटा परेशान हो गया, ये क्या हो गया, इतना अच्छा मूर्ति बनाते थे, इतना अच्छा सेलिंग चलता था और आज धीरे धीरे गाय ऐसे हो रहा है। हार कर दिया, फिर उनके पापा के पास, बोले पापा के पास गया और बोला कि पापा कि जब से आप हमको जो बनाते थे उसमें खराबी निकालना आप छोड़ दिए है, तब से मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, क्या रीजन। तब उसके पापा ने बोला रीजन ये है, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको पूरा सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी होना चाहिए। जब भी आपको कमी रहेगा तभी वो काम करने का कोशिश करेगा, अगर कमी ना रहेगा तो काम करने का कोशिश। उस दिन के बाद उसके फिर से समझा तो बोले कि पापा आप ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताए थे। तो ये बात पहले इसलिए नहीं बताते कि तुम जब हम पहली बार तुमको जब हम तुमको बोल रहे थे तुम गुस्सा गया था कि नहीं कि नहीं आप अपना बिजनेस देखिए हमको करते थे, समझ गया ना। तो आप पढ़ने आते हैं और आप क्लास में आते हैं फिर आप कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहना चाहिए ताकि वो सीखे। अब वो क्या क्या था, वो सोचता था कि नहीं हमारे में कोई कमी नहीं, हमारे में कोई कमी नहीं है, हम जो बना रहे हैं वो सारा चीज अब हमसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। और जब उसके पापा उसमें कमी निकाल देते थे तो वो अच्छा करने का कोशिश करता था, जो कमी रहेगा उसको पूरा करेगा कि नहीं, जो कमी रहता था उसको पूरा करने का कोशिश करता था। मगर वो जो है उसको पापा को डर गया, उसका पापा उसको बोलता रहता कमी को पूरा नहीं करता था, इसीलिए जो है दिन पर दिन वो क्या करते।